हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान है, सर आप कहाँ से हैं? इटावा से। इटावा से हैं आप, साथ में ही आए, आप इनके बड़े भाई हैं। जी। तो हम लोग ने ये भी आपके हिसाब से एक फॉर्मुलेशन सेट किया, ये कितने रुपए का दिया गया फॉर्मुलेशन? 15 रुपए के आसपास का एक फॉर्मुलेशन सेट किया गया है। और ये देखिए फॉर्मुलेशन है, वॉशिंग पाउडर बना हुआ है उससे। इसका अभी हम लोग फोमिंग टेस्ट और क्लीनिंग टेस्ट दोनों करेंगे आपके सामने, ठीक है? तो आप सर आप खुद ही करिए इसको। ये देखिए इसमें पानी ले लिया, इसमें और कुछ तो है नहीं, सिर्फ पानी डाला गया, पानी लिया गया आपके सामने। अब हाँ, अपने हिसाब से ले लीजिए जो भी आपको करना हो, क्योंकि करना आपको है ये प्रोडक्ट। एक बार उस पानी में घोल लीजिए सब। देखिए कम से कम मैं आपसे बस ये बोलूंगा, हाथ जब भी आप लोग जो भी झाग बनाते हैं, कम से कम 15 से 20 सेकंड से ऊपर ही हाथ चलाइए, क्योंकि ठंड का समय है, पानी ज्यादा ठंडा होता है, थोड़ा सा समय लेता है हर एक वॉशिंग पाउडर झाग बनाने में। बहुत ज्यादा तो लिया नहीं हम लोग ने, बहुत थोड़ा ही सा पाउडर लिया है। जिस रेंज का ये पाउडर है उसके हिसाब से इसकी झाग और सफाई को आप जज करिएगा। देखिए सबका झाग बनाने का तरीका सब अलग होता है, सबका हाथ चलाने का होता है। भैया अच्छे से झाग बना रहे हैं। ठीक है सर, अब देखिए इस पर हम लोग इसमें एक बार भैया भी हमारे यहाँ पे भैया भी एक बार हाथ चला के दिखा देंगे झाग। देखिए आपने ये बनाया झाग, लगभग इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी लिया था, थोड़ा ही सही आपने वॉशिंग पाउडर डाला, एक बार आप हाथ चला के दिखा दीजिए। देखिए जैसे अगर आप कस के हाथ चलाएंगे तो झाग और बढ़ेगा, मजबूत होगा। आप जैसे हाथ चला रहे थे, आपने भी अच्छा चलाया, लेकिन थोड़ा सा अगर जैसे भैया चला रहे, देखिए इस तरीके से हाथ, देखिए झाग और बढ़ रहा है ना। तो ये सबको झाग बनाने का तरीका अलग होता है। तो जो भी मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार झाग बनाने के तरीके को देख ले। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपका झाग बहुत बेहतरीन बनेगा, थोड़े से ही वॉशिंग पाउडर और थोड़े से ही पानी में झाग बेटर बनेगा। अब इसका एक पानी आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए इसमें कोई भी चीज़ नीचे बैठ नहीं रही है, बिल्कुल क्लियर पानी दिखा रहे हैं। देखिए ये एक आप पकड़ लीजिए अपने हाथ में, बिल्कुल इसको पकड़े रहिएगा, क्योंकि अभी कपड़ा धोएंगे तो उसके बाद इसको टेस्ट भी करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्योंकि देखिए कोई भी गंदगी नहीं है, ऑल दो इसमें अभी हाथ हिलाया अभी देखिए क्लियर होता जाएगा, ठीक है? अब ये देखिए गंदा कपड़ा है, बहुत ही गंदा कपड़ा अपन लोग ले रहे हैं और छोटा ही सा ले रहे हैं, एक थोड़ा बड़ा कपड़ा ले लीजिए। देखो स्टेबिलिटी आपको दिखेगी इसमें, देखिए ये जिस रेट का पाउडर है इसके हिसाब से इसमें देखिए स्टेबिलिटी है, दिख रही है झाग में स्टेबिलिटी। और ये आपके बिल्कुल आपके सामने बना के दिखाया गया है, एक एक स्टेप आपने खुद से देखा, हम सब इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए थोड़ा कपड़ा हम लोग ने बड़ा ले लिया है और ये गंदा भी है, इसको थोड़ा और गंदा कर लीजिए जमीन पर, ये और गंदा किया जा रहा है ताकि हमको रिजल्ट्स तुरंत समझ में आए। अब इसको आप देखिए गंदगी लग गई, देखो इतनी धूल लगती नहीं है वैसे, लेकिन हमने इसलिए इसको ऐसा किया क्योंकि गंदे से गंदा भी कपड़ा आ सकता है हम लोग के पास, ठीक है? तो हम लोग इसको आप धोएंगे, इसमें देखिए डाल दीजिए, आप धो लीजिए एक बार, क्योंकि आपको करना है सर, एक बार आप अपने हिसाब से करिए। ठीक है, धोते समय आपको समझ में आएगा पानी भी काला हो रहा है। देखिए कपड़ा धोने का सही तरीका क्या है, मैं लोगों को और अपने दर्शकों को बता दूं कि पानी में इसको भिगो के 10 मिनट तक तो छोड़ना चाहिए। पाउडर में पहले झाग बना लीजिए अच्छे से, 10-15 सेकंड 20 सेकंड हाथ हिला के, और उसके बाद कपड़े को पानी में 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, क्योंकि हम रियल टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे। एक बार इसको रगड़ दीजिए सर, धोने में कैसा दिख रहा है आपको? हो गया जी, चलो एक मिनट निकाल के दिखा दीजिए। देखिए ये हमने पहले निकाला था पानी और ये देखिए बाद में निकाला, दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है सर? ये इस वजह से है क्योंकि मैल जो था इसने खींचा है पानी में, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? कपड़ा पहले से साफ हुआ है, मैल वैल निकल गया। अब देखिए ये जो वाले दाग है ना, ये तो आप किसी भी पाउडर से धोएंगे ये तो ड्राई क्लीन होंगे, क्योंकि ये पेंट के दाग लगे हैं,
लेकिन आप देखिए गंदगी कालिक सब निकल गई इसमें से, कालिक निकल गई है लगभग। ये सब पेंट के दाग है क्योंकि इस लेवर लोग के कपड़े हैं, काम करते हैं, थोड़ा और धोएंगे अभी और निकलेगा। अभी तो हमने कितना एक ही मिनट धोया है। अच्छा, बाकी आप इस रेट के और इस सेगमेंट से संतुष्ट हैं? अगर हल्की फुल्की क्वालिटी आपको और बढ़ानी है तो मैं आपको बता देता हूँ, केमिकल साइड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, एक आध रुपये में और अच्छा क्वालिटी बढ़ जाता है। खुशबू थोड़ी सी बढ़ा के चलिएगा क्योंकि नया ब्रांड है, खुशबू बढ़ा के चलिएगा। सर कुछ आप कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, जो आप आए आपने लाइव देखा, आप दूसरी बार आए मेरे पास, पहले भी हम लोग एक बार मिल चुके आए हैं, तो आपको जो भी हम लोग सिस्टम से दिखा रहे हैं आपको कर रहे हैं, क्या रियल रहता है इसमें, कोई तो नहीं रहता, रियल टाइम करते हैं हम लोग, संतुष्ट हैं इससे? चलिए थैंक यू सो मच सर। ये पाउडर का हम लोग ने धोखे दिखाया, अगर किसी भी मेरे भाई को इस काम को शुरू करना है आके रियल टाइम हमसे अपना सैंपल टेस्ट करा सकता है, कंपेयर करा सकता है और क्वालिटी को इस तरीके से सेट करा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे।